हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मोदी के आगे झुकने वाले एबीपी न्यूज को छोड़कर आए पत्रकारों को शुभकामनाएं दीजिए, श्रद्धांजलि नहीं, कहते हैं दिलीप मंडल। एबीपी न्यूज या कोई भी चैनल छोड़ने वाले सभी लोग जमकर पत्रकारिता करें, सोशल मीडिया के होते हुए उनसे उनकी आवाज कोई नहीं छीन सकता। आज की तारीख में हमें ये मालूम भी नहीं है कि उन्हें हटाया गया है या खुद छोड़कर गए हैं। उन्होंने आपसे कोई शिकायत तो की नहीं है, आपको कैसे पता कि उन्हें हटाया गया है? आपको सपना आया है या आसमान से कोई आवाज आई है? सरकार दसियों तरीके से मीडिया को कंट्रोल करती है। हटाना सरकार का तरीका नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बगैर सरकार का काम हो जाता है। मैंने सबसे ऊपर की पोजीशन से मीडिया को देखा है, कैसे सरकार मैनेज करती है मैं जानता हूँ। इसलिए प्लीज कोई आंदोलन मत कीजिए, ज्यादा भावुक होने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वे किसी बेहतर प्रोजेक्ट में जाने की तैयारी में हो, ये बिल्कुल संभव है। जिन तीन लोगों की बात हो रही है वे मेरे निजी मित्र हैं। ये क्रांतिकारी नहीं, प्रोफेशनल पत्रकार है, उनको वही रहने दीजिए। एबीपी न्यूज अब तक जैसा दिख रहा था वो मालिकों की मर्जी से ही था। ये मत सोचिए कि मालिक कुछ और चाह रहे थे और एंकर कुछ और बोल रहा था, ऐसा नहीं होता है। और अगर ये सच है कि उन्हें चैनल से हटाया गया है तो भी उन्हें पत्रकारिता करने से कौन रोक सकता है? वे डिजिटल पर कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ करोड़ों लोगों का विशाल जन समुदाय है जो सक्रिय है और समाज पर इनका असर भी है। सैकड़ों सक्रिय यूट्यूब चैनल है, लाखों वेबसाइट है, दुनिया भर में ये टीवी के अंत और डिजिटल मीडिया के उभार का दौर है। डिजिटल मीडिया असर के मामले में टीवी को पीछे, बहुत पीछे छोड़ चुका है। भारत के सारे विमर्श, आंदोलन और ट्रेंड डिजिटल स्पेस से शुरू हो रहे हैं। हम लोग जो दिन में करते हैं उसकी पैकेजिंग रात में टीवी पर देखते हैं। छोड़कर जाने वालों में से कई लोग टीवी माध्यम में भी बने रहेंगे। बहुत बड़ी है मीडिया की दुनिया, नरेंद्र मोदी सब कुछ कंट्रोल नहीं करते। छोड़ने वालों को शुभकामनाएं दीजिए, उनको श्रद्धांजलि मत दीजिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।